कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर हिम्मत नगर गुजरात। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजें हमें बहुत जल्दी करना चाहिए, कुछ चीजें और कुछ चीजों को करने में, कुछ कार्य को करने में हमें जल्दबाजी दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनके निर्णय लेने में हमें थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए। सामान्य भाषा में कहते हैं सब्र रखो। अगर आप सब्र रखोगे, धीरज रखोगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे तो जीवन के बहुत सारे दिन बुरे की जगह अच्छे हो सकते हैं। और ये जल्दबाजी का निर्णय जो होता है वो भावुकता में अथवा अपने नजरिए की सही दृष्टि ना होने के कारण होता है। इस बात को अपन को समझना बहुत आवश्यक है। जब जब कोई आपसे टूटा हो, दूर हुआ हो, तो गलती सिर्फ उसमें उसकी नहीं रही होगी, आपके भी जल्दबाजी के निर्णय की रही होगी। तो अपन कोई भी डिसीजन लें, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, एकदम जल्दबाजी में निर्णय ना लें। नहीं, ये तो होना चाहिए, अभी होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा रुको। मनुष्य के अंदर एक बात रहती है कि जब खुद गलती करता है तो वकील बन जाता है और दूसरा गलती करे तो न्यायाधीश बन जाता है, जब खुद गलती करे तो एडवोकेट बन जाता है, डिफेंड करता है, और दूसरा गलती करे तो जज बन जाता है। नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार की परिणति वाले भी रहते हैं, थोड़ा समय देना चाहिए। मैंने एक बात लिखी थी कि जो लोग भावुक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि सेल्फिश टाइप से हो जाते हैं, वो अपना अपना देखते हैं, इसने गलत किया इसको भी बोलो। अरे वही गलती कुछ देर बाद अगर तुमसे हो गई तो क्या होगा, और वही गलती अगर तुम कर चुके हो, वही गलती दूसरा कर चुका है, जल्दबाजी में निर्णय क्यों लो? अपने सेल्फ का अथवा किसी और के प्रति निर्णय लेना है तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा आराम से रुक करके निर्णय लें, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे अच्छे जीवन को गलत कर देता है और एक सही निर्णय पूरे गलत जीवन को सही कर देता है। रावण के जीवन का एक ही गलत निर्णय था, सीता हरण, और एक गलत निर्णय के कारण रावण की लंका सोने की खत्म हो गई। रावण के पास सब कुछ था, कुछ नहीं बचा। सब कुछ था रावण के पास, कुछ नहीं बचा, किसके कारण? सिर्फ एक गलती। राम ने भी गलतियां करी, और राम अगर अपनी वो गलतियां सुधार लेते तो राम और जल्दी परमात्मा बन जाते। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। राम ने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, हाँ सीता जी को जंगल भेज दो, अभी भेजो, अभी तुरंत, जल्दबाजी का निर्णय था, हानिकारक हो गया। थोड़ा रुक करके निर्णय लेते, समझ के निर्णय लेते, सीता जी को इतना कष्ट जंगल में नहीं सहन करना पड़ता। आज की नीति कह रही है कि जिसको आप नहीं समझ पाते हैं उसे गलत मानने की जल्दबाजी कभी मत करना। जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को आप नहीं समझ पाते हैं उसको गलत मानने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, कभी मत करना, क्योंकि आपको अगर हो सकता है कि उसके बारे में कुछ ज्यादा पूरा ज्ञान ना हो, और पूरा ज्ञान नहीं होगा आप जल्दबाजी में निर्णय लोगे, आपका निर्णय गलत ही रहेगा, 101% गलत रहेगा। किसने बोल दिया कि बाजार में नकली नोट आ गए हैं, तो आपको हर नोट नकली लगता है। फिर अभी न्यूज में आ जाए कि कोरोना फिर से फैल रहा है तो सब लोग फटाफट मास्क ले लेंगे। क्यों, वो न्यूज क्यों डाली गई? क्योंकि मास्क बचे हुए रहे, ताकि वो मास्क बिक जाए। सैनिटाइजर लेके रख रहे, रेट बढ़ने वाला है, सब एक एक सैनिटाइजर लेके रख लेंगे, माल बिक गया, कोरोना चला गया। जल्दबाजी के निर्णय का यही प्रतिफल होता है, लोग आपसे दूर हो जाते हैं, गलत व्यक्ति गलत वस्तु को सही मान बैठते हो, ये जल्दबाजी का परिणाम है। जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा धीरज रखें, थिंक, वेट एंड देन टेक डिसीजन। पहले सोचें, रुकें, फिर डिसीजन लें, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। चाहे आप अपना निर्णय लेना हो,
अपने जीवन का या किसी और के जीवन का एक बार रुके तो विश्राम तो लें, फिर अपन उस चीज को रखें, तब तो बात है। जल्दबाजी में जिस जिस निर्णय लिया है वो गया है। आप देखो जो कार चलाते हो और जल्दबाजी में एक टर्न ले लिया, जितने पीछे बैठे थे सब खत्म, और जल्दबाजी में तो सही निर्णय ले लिया, जितने बैठे सब बच जाएंगे। अगर आपने सही व्यक्ति के लिए गलत निर्णय ले लिया तो हो सकता है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो और वो हावी पड़ जाएगी आपके ऊपर। दुर्योधन ने निर्णय लिया कि युद्ध होगा, हमारे पास सेना है, गलत निर्णय था, कौरवों का इतिहास खत्म हो गया। रावण ने देखा कि दो जंगल में घूमने वाले हैं, क्या कर लेंगे अपना, देख लेंगे। लो भाई, उसने तुमको देख लिया। हर बार कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी कमजोर हो जरूरी नहीं, और हर बार ताकतवर दिखने वाला व्यक्ति भी ताकतवर हो जरूरी नहीं। पहले आगे पीछे का अपन को उसका नॉलेज करना चाहिए। इसी को मैनेजमेंट में कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले अपन समझ तो लें, फिर निर्णय लें। जल्दबाजी में किया गया काम हानिकारक ही होता है। उस समय अपन को लगता है कि जल्दी कर लो, लेकिन बाद में लगता है कि रुक जाते तो ठीक था, थोड़ा सा वेट करके अपन को निर्णय लेना चाहिए। एक राजा ने सोचा कि अब अगले वाले राज्य में जाकर के चढ़ाई करना, उसको जीतना है, तो निर्णय कर लिया कि अपन को अगले हफ्ते युद्ध लड़ना है, उससे झटके में जाना है। उसका मंत्री समझदार था, बोले राजा एक बार वहां का सैन्य बल और बुद्धि बल देखा जाए। गुप्तचरों को भेजा गया, उन्होंने बोला कि सैन्य बल तो मजबूत है लेकिन अपन से मजबूत नहीं है। राजा बोले चलो, बोले नहीं नहीं बुद्धि बल भी देखो। तो उसने बोला कि कैसे, तो वहां के मंत्री ने कहा कि राजन ये दो अंजन की सलाखा है अपने देश में बनी हुई है, जिसकी आंख की रोशनी चली गई होगी उसको लगाएगा तो ठीक हो जाएगा, राजा को भेंट करो। राजा इसका क्या करता है, खुद उपयोग में लेता है कि दूसरे को देता है, खुद के लिए उपयोग में लेता है, इसका मतलब अपन जीत सकते हैं। राजा ने उस राजा के पास भेंट स्वरूप भेजी और उसने वो अंजन सलाखा अपने वृद्ध मंत्री को दे दी, जिसकी आंख की रोशनी चली गई थी। मंत्री ने एक आंख में लगाई और उसकी रोशनी आ गई और दूसरी उसने खा ली। ओ राजा बोला अब तो एक आंख वाले बचे हो तुम। बोले वो बाद में बात करेंगे, पेन कागज दो। पेन कागज लिया और बोले जो लोग आए हुए हैं इनको रोक के रखा जाए 7 दिन। 7 दिन रोक के रखा मंत्री ने। 7 दिन में वैसा अंजन तैयार कराया, उसका स्वाद लेकर के किसका, उस अंजन का स्वाद लेकर के 7 दिन में एक डिब्बा भर के अंजन बनाया। कितना, एक डिब्बा भर के। और अंजन सलाखा दूसरी आंख खोली, बोले राजन ये डिब्बे का आधा हिस्सा उस राज के लिए भेज दिया जाए, जितने अंधे हो या जिनकी आंख की रोशनी चली गई है उनके काम आएगा। दूत लौट के आया, मंत्री कहता है जिसका वृद्ध मंत्री इतना समझदार है, राजन उस राज में चढ़ाई मत कर बैठना, हार जाओगे। जल्दबाजी का निर्णय लिया चाणक्य ने, हार लगी। समझदारी से निर्णय लिया चाणक्य ने, जीता। लेकिन कितनी परिस्थितियां हो, व्यक्ति को आप उसके नजरिए से मत देखना, व्यक्ति को आप अपने नजरिए देखते हो। आप उसको उसके नजरिए से नहीं देखते, आप देखते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उस व्यक्ति की परिस्थितियां क्या थी, और उस गलत नजरिए के कारण आप अच्छे व्यक्ति को भी गलत मान लेते हो। ये गलती नहीं करना, क्योंकि गलती एक बार होती है, पछतावा जिंदगी भर होता है। अच्छे व्यक्ति को छोड़ दिया और गलत व्यक्ति को जोड़ लिया, एक बार की गलती है, पछतावा जिंदगी भर का है। फिर वो बातें तो निकल जाती हैं, पछतावा रह जाता है, अरे यार बोले ये गलती हो गई, ये नहीं होती ना तो बहुत अच्छा था। कहते हैं कि कितनी बातें बचपन में हमें गलत लगती थी, लेकिन जैसे हम बड़े हुए, समझदार हुए, वो गलत बातें हमें सही लगने लगी। पहले आप कहते थे कि पिताजी हमको गुब्बारा चाहिए, पिताजी कह रहे क्या करो, नहीं हमको गुब्बारा चाहिए, दिलवा दिया। और जब तुम पिता बने और बच्चा कह रहा गुब्बारा चाहिए, तब तुमको समझ में आता है कि उस समय मैंने गुब्बारा मांगा था
पिताजी सही कह रहे थे लेकिन मुझे गलत लग रहा था। तो बचपन में बहुत सारी चीजें हमें लगती गलत हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी बुद्धि बढ़ती है कि नहीं 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 धीरे धीरे सही है। जो दिमाग 35 वर्ष में काम करता है, 40 वर्ष में काम करता है, अगर वो 15-20 वर्ष में काम करने लगे व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने। लेकिन खुद को संभालना भी पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा। कहते हैं कि जो चीजें अंधेरे में नहीं दिखती हैं, जो चीजें अंधेरे में नहीं दिखती हैं उजाला होते ही वो स्पष्ट दिखने लगती हैं। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा उजाला करें। किसका उजाला करें? सच्चाई का उजाला करें। थिंक वेट एंड देन टेक डिसीजन अबाउट योर लाइफ योर सेल्फ अदर वन। खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो, पहली बार रुकें सोचें फिर निर्णय लें। जल्दबाजी में किया गया काम बहुत नुकसानदायक हो जाता है। ये बहुत सारी कथाएं अपन को पुराण ग्रंथों में मिलती है, जल्दी के निर्णय शैतान के। जल्दी का निर्णय ले लिया और एक कथा हमने भी पढ़ी थी, उसको समझ में आया कि हाँ जल्दबाजी का निर्णय मत लेना। एक बच्चा बस में बैठा है और बैठा बस में बैठा था, वो अपनी बुक पढ़ रहा था। बच्चा होगा लगभग 20 साल का और उसके बाजू में गर्भवती स्त्री खड़ी थी और गर्भ उसका लगभग 8 महीने का गर्भ तो होगा। सब लोग कह रहे हैं उस बच्चे से उठ जा, टूट जा, ये बैठ जाएगी। वो उसको देखता है फिर बुक पढ़ने लगता है। सब लोग क्या कह रहे थे, कैसा बच्चा है, ये मैनर से कोई एडिकेट से उसके पास खड़ा नहीं हो सकता तू। लोगों ने बहुत उसको ताने दिए बस के अंदर कि अच्छी बात नहीं है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक गर्भवती महिला है उसको बैठने की जगह देना चाहिए। उसने कहा 2 मिनट रुकिए। नीचे से उसने अपने दोनों बैसाखियां निकाली और खड़ा हुआ, उसके दोनों पैर नहीं थे। देखने वालों को क्या निर्णय लग रहा था कि व्यक्ति बच्चा गलत है, खड़ा नहीं हो पा रहा, खड़े नहीं हो सकता क्या। जब वो खड़ा हुआ तब सबको शर्म आई कि हमने गलत सोच लिया था, सही व्यक्ति के लिए गलत नजरिया रख लिया था। आप बताओ जरूरत किसको थी, अब बताओ बैठने, उसके पास तो पैर है ना खड़े होने के लिए। उस बच्चे के पास तो पैर भी नहीं थे खड़े होने के लिए, उसने अपने बैसाखी टेकी, बैसाखियों से टेक टेक करके वो एक सीट पे जाके टिक गया, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब आपको गलत ठहराया जाए और आप सही हो, सिर्फ चुप रहना, कुछ मत कहना, आपकी तरफ से आपका समझ आएगा। क्योंकि जो लोग शब्दों से नहीं कहते उनका वक्त कहता है। मेरा तो विश्वास है अगर आप सही हो और आपके पास सबूत ना हो तो चुप रहना, अपनी गलती स्वीकार लेना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप सही हो, गलती ना हो आप ही कोई, और गलत ठहरा जाए आप एकदम चुप हो जाना, थोड़ा धैर्य रखना, आपकी तरफ से आपका वक्त जवाब देगा। जो लोग शब्दों से नहीं कहते उनका समय उनकी तरफ से कहता है, इसका ध्यान रखना। बताओ उन सबने निर्णय गलत लिया कि नहीं? नहीं लिया, जल्दबाजी का निर्णय ले लिया। थोड़ा रुक जाते तो क्या चला जाता, बस यही सीखना बाकी रह गया है। जैसे जैसे हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती गई, जिस दिन क्षमता जागृत हो गई, अब जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते। कोई भी चीजों एक बार सोचें, विचार करें, फिर उसको प्रस्तुत करें। जल्दी में आपने गियर लगाया, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी स्लिप हो जाएगी। जीवन की गाड़ी भी ऐसी है, जल्दबाजी में ना लें, जल्दबाजी में ब्रेक ना लगा दें। क्या करना चाहिए, निर्णय लेने के पहले एक बार वेट एंड वॉच, स्टॉप होना चाहिए। कहते हैं कि बिना परीक्षा करे कभी कोई सोना भी नहीं खरीदता, बिना परीक्षा करे भी कोई सोना भी नहीं खरीदता कोई। बिना परीक्षा करे प्रकृति आपको कुछ देती नहीं है, तो क्यों ना व्यक्ति को और उनकी बातों को जब भी ग्रहण करें, स्वीकारें, तो एक बार उसकी परीक्षा तो कर लें। और परीक्षा के लिए कुछ आपके लिए बातें बता रहा हूं, पहले आगे पीछे का देख लें कि उसने कहा तो क्यों कहा, किस परिस्थिति में कहा,
क्या उसने जान करके किया है? नहीं, उसने क्या परिस्थिति क्या थी? कोर्ट भी निर्णय लेता है तो देख के निर्णय लेता है। अगर किसी ने किसी को मार दिया है तो देखता है कि भाई इसने अपनी रक्षा के लिए मारा है। बोलिए, आप लोगों ने कभी लिखा हो, सोच सुना होगा कभी, तो अगर उसने अपनी रक्षा के लिए उसको धक्का दिया और मर गया हो तो ये भी कारण बनता है। तो आगे पीछे का देख करके भी कोर्ट निर्णय लेती है। आप भी डिसीजन लें तो आगे पीछे का देख करके लें। वैसी परिस्थिति में खड़े हो जाएं। दूसरी बात कह रहा हूं कि जिस जिस व्यक्ति ने निर्णय लिया है, जो बात कही है, एक बार उस परिस्थिति में जाएं। अगर कोई आपके ऊपर झुंझला पड़ा है और आप उससे प्यार से बात कर रहे हो, एक बार उसकी परिस्थिति में चले जाओ। क्यों झुंझलाया? क्यों है? उसके पास लोड था कि उसका स्वभाव ही ऐसा चिड़चिड़ा है? क्या था? कई बार हो जाता है व्यक्ति के पास वर्क लोड इतना रहता है, वो झुंझला पड़ता है, चिड़चिड़ा पड़ता है। कई बार ये होता है कि वो उसका स्वभाव ही ऐसा है। अब जिसका स्वभाव ऐसा है उसको क्या कहना? उससे कहोगे तो और तुमको दुख मिलेगा। तो ये दो बातें हुई। और तीसरी बात करेगी, दूसरी बात मैंने कही परिस्थितियों का विचार करके, और तीसरी मुख्य बात है अपनी चिंतन की धारा को सही करें। कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसे लोग थे, हैं और रहेंगे जो अपने लिए दुख हानि दे सकते हैं। चलिए, इनको तो ओम इग्नोराय नमः किया है। इस प्रकार से आप अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज होती है आप उस कंडीशन में चले जाएं। एक बार उस कंडीशन में चले जाएं, वो जो बच्चा बैठा था खड़ा नहीं हुआ, उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन वैसी थी क्या? बस की बात है, बस में एक लड़की खड़ी थी, पीछे एक लड़का खड़ा था, और एकदम से बस रुकी और लड़का लड़की से टकरा गया। लड़की ने उसको दो चांटे मारे। जब दो चांटे मारे और पूरे बस के लोग लड़के पर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद लड़का आगे हो गया, लड़की पीछे खड़ी हो गई, और फिर बस रुकी, और जैसे ही बस रुकी लड़की लड़के से टकराई, लड़की ने भी उसको दो चांटे मारे। लड़की को दो चांटे मारे, और उस समय लड़की को समझ में आ गया कि परिस्थिति कारण ऐसा हुआ। उस लड़के ने कुछ किया नहीं था। कई बार बहुत सारी चीजें परिस्थितियां करवा देती हैं, इच्छा नहीं होती। अपन को लगता है कि रास्ते में पड़े जानवर है, कोई ठोक के गया होगा, वो गाड़ी के नीचे ही आ गया तो क्या करेंगे? तो एक बार अपन उस परिस्थिति में भी जाएं अगर, तो आपको मालूम चलेगा कि निर्णय क्या लेना है। कि आज की नीति है, निर्णय लेने के पहले आगे पीछे का सोचें, उस परिस्थिति में जाएं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा किस कारण से हुआ, उस व्यक्ति की गलती है, किस समय की गलती है। ऐसा अगर अपन चिंतन करेंगे तो आप एक दिन अपने अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। थिंक, वेट एंड देन टेक डिसीजन। पहले रुकें, सोचें, फिर निर्णय लें, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।